हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलबाग सिंह और इस वीडियो में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक तरीका साझा करना चाहता हूं, जो आपको आपके जो विचार आ रहे हैं, जो विचार परेशान कर रहे हैं रिलीजियस ओसीडी में, भगवान के प्रति गंदे विचार, मूर्तियों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति गंदे विचार, और कंटेमिनेट ओसीडी है, गंदगी फैल जाने का डर, उससे फिर आप अपना बार बार हाथ धोते हैं, लंबे समय तक नहाते हैं, डॉग फोबिया, रैबीज़ हो जाने का डर, ये जो मानसिक विकार हैं उनके लिए एक ज़बरदस्त तरीका आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूं। और अगर आप ऐसे किसी मानसिक विकार में फंसे हुए हैं, किसी मानसिक बीमारी में आप अटके हुए हैं, विचार आपको परेशान कर रहे हैं और आपको घबराहट है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन जैसी कोई भी समस्या है, तो ऑनलाइन काउंसलिंग या ऑफलाइन काउंसलिंग जो है वो आप शुरू कर सकते हैं, और आप अपना इलाज जो है वो फ़ोन पर कर सकते हैं या आप लाइव सेंटर पर आकर भी कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक तरीका, एक थेरेपी की तरह ही है कि थेरेपी जैसे इम्प्लीमेंट की जाती है, जैसे थेरेपीज करवाई जाती है, वो आप खुद से अपने घर पर बैठ के आराम से उस तरीके को अपना करके अपने उन विचारों से मुक्ति पा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपको कोई विचार परेशान करता है और आपको एक गिल्ट बुरा महसूस करता है, जैसे सेक्सुअल थॉट आया भगवान के प्रति और आपको एक बुरा महसूस हुआ और आपने ऐसा कहा कि फिर मुझे भगवान सजा दे देंगे, कुछ गलत हो जाएगा, फिर मन्नत पूरी होगी या नहीं होगी, फिर मन्नत का विचार आपको बार बार परेशान करता है। तो विचार जब आपको परेशान करें तो आपने उनके लिए क्या करना है वो आपको बताने वाला हूँ। उसे बताने से पहले मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि उस कॉन्सेप्ट के प्रति कि क्या भगवान सजा देता है, उसको अच्छे से जान लेना, मन्नत पूरी होती है या नहीं होती है, अगर उसका चढ़ावा चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान लेना। जो कंटेमिनेट ओसीडी, जो डेंजर जोन में आपके ऑब्जेक्ट हैं, जिन जिन चीज़ों से आपको खतरा महसूस होता है, गंदगी फैल जाने का या कुछ भी गलत हो जाने का, उनके प्रति एक अवेयर होना, एक जागरूक होना, तो ये काउंसलिंग सेशन में आप कर सकते हैं, वन टू वन काउंसलिंग सेशन में आप कर सकते हैं। और आज जो मैं तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसको आप अपने घर में करके इस विचारों से जो आपको डर और एंग्जाइटी पैदा हो रही है उसको कम कर सकते हैं। और वो टेक्निक क्या है, वो टेक्निक ये है कि आपने आराम से इस तरीके से योग की पोजीशन में बैठ जाना है, बिल्कुल सीधे, कमर को सीधा, गर्दन बिल्कुल सीधी, आइज आप खुली भी रख सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। और बोलना आपने क्या है, जैसे सांस आप बाहर छोड़ें, जैसे आप सांस बाहर छोड़ें तो ये कहना है कि ये मैं नहीं हूँ। फिर से दोहरा रहा हूँ, जैसे आप सांस बाहर छोड़ें तो ये कहना है ये मैं नहीं हूँ। जैसे सांस बाहर छोड़ा आपने, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। अब सांस मैंने रोका हुआ है, सांस बाहर छोड़ना है और रोक लेना है और ये दोहराना है, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। और उसके बाद जैसे आप ओवर हो जाए, अब आपको लगे कि मुझे सांस लेनी चाहिए, तो सांस लेनी है फिर रोक लेनी है, और अब आपने ये कहना है ये मेरा विचार नहीं है, 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 ये मेरा विचार नहीं है। जब आपको लगे कि मेरी सांस ज़्यादा फूल रही है और समस्या सी लग रही है, और फिर आपने सांस छोड़ देना है। इस तरीके से आपने इस टेक्निक को दिन में 2-3 बार करना है, रात को सोने से पहले तो ज़रूर करना है, सुबह उठते हुए कर सकते हैं, दोपहर में बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं। इसको जितना गहराई से और ईमानदारी से करेंगे उतनी ही ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगी, जो पहले से ये विचार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि पहले से कुछ गंदगी आपके मन के अंदर चली गई है, कुछ याददाश्त ऐसी जुड़ गई है जो आपको पता नहीं है, जो कॉन्शियस लेवल के अभी सामने नहीं है, लेकिन वहाँ से प्रॉब्लम उठ रही है अचेतन में और सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन में कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं, याददाश्त ऐसी जुड़ गई, कुछ हमारी लाइफ में कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हमारे साथ हुआ,
तो वो समस्या हमारे साथ जुड़ जाती है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि मैं परेशान क्यों हो रहा हूँ, ये विचार क्यों आ रहे हैं, ये सभी। तो काउंसलिंग सेशन में वो भी क्लियर हो जाते हैं, और इस टेक्निक से वो जो गिल्ट महसूस कर रहे हैं, जो आप डर से भयभीत हैं, वो भी आप उससे भी आपको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन एक टिप्स आपको और इसके साथ साथ मैं ये बता दूं, आपने ये बिल्कुल नहीं कहना है कि ये मेरी OCD का या डिप्रेशन का या कोई भी विचार है, ये उसका विचार है, ये आपने नहीं कहना है। क्योंकि जब आप ये कहेंगे कि ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा विचार नहीं है, तो आप किसी भी बीमारी के साथ नहीं जुड़े। लेकिन जब आप ये कहूँ कि ये मेरा OCD का विचार है, ये मेरा OCD का विचार है, तो आप अपने मन को ये भी कह रहे हैं कि मुझे कोई इस विचार के साथ साथ कोई बीमारी भी है। तो वो आपका मन ये भी स्वीकार करेगा कि आपको कोई OCD की कोई बीमारी है। तो वो बीमारी शब्द जब आपको ये याद रहेगा कि बीमारी बीमारी बीमारी, तो आप उससे कभी ऊपर उठ नहीं पाएंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इस सबकॉन्शियस पैटर्न्स को, सबकॉन्शियस माइंड को, अचेतन मन को और अच्छे से जानना चाहते हैं, और मन में दबी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं उनको जानना चाहते हैं और ऊपर उठना चाहते हैं इन सेक्सुअल एक्टिविटीज से, अपनी धारणाओं से, अपने बिलीव सिस्टम से, उनसे आप मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें नीचे की ओर बढ़ना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो दूसरों के साथ साझा ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने विचार मेरे साथ शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।